मानसा में खोले गए मीरा साहिब एजुकेशन सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधकों की तरफ से करोड़ों रुपए के घपले का मामला सामने आया है। मीरा साहिब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों की तरफ से PMKVY के तहत 12 शिक्षा केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन स्किल सेंटरों में प्रति घंटे के हिसाब से ग्रांट आती है, जिस ग्रांट को इन स्किल सेंटरों में ही वितरित किया जाता है। लेकिन पिछले काफी समय से सोसाइटी के प्रधान की तरफ से ग्रांट को अपने स्तर पर ही निकलवा लिया जाता है। मानसा के SSP मंधीर सिंह ने बताया कि उनको इस सोसाइटी की तरफ से किए जा रहे घपले की जानकारी मिलने पर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। हमें कंप्लेंट मिली थी जिसके आधार पर, जिसमें लिखा गया था कि जो मानसा में मीरा साहिब सोसाइटी है वो कुछ प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के अधीन जो इनको फंड प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी एम्बेजलमेंट हो रही है। हमने इसके संबंध में जब इंक्वायरी की तो हमने ये पाया कि ये जो मीरा साहिब सोसाइटी है इसके अधीन 12 सेंटर्स हैं और 12 सेंटर्स के लिए जो बजट होता है वो डायरेक्टली सेंटर से रिलीज होता है। मीराबाई सोसाइटी की तरफ से बजट और जो फंड्स डिसबर्स करने थे अलग अलग सेंटर्स को, वो प्रॉपरली नहीं किए गए और इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट करने से ये पता चला है कि जो फंड्स हैं मीराबाई सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो उनका चेयरमैन है परमिंदर सिंह, उसने अपने निजी यूज के लिए तकरीबन जो 1,70,00,000 के आसपास जो है फंड हैं वो अपने निजी यूज के लिए यूज़ किए हैं। और अभी तक जो फंड्स जो रिलीज हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो मोर देन 5 करोड़ रुपीस हैं। तो हमने जिस पे इंक्वायरी करने के उपरांत जो एम्बेजलमेंट के संबंध में जो सामने रिजल्ट आया था उसी आधार पर हमने FIR लॉन्च कर दी है। परमिंदर सिंह जो सोसाइटी के मेम्बर्स हैं, बाकी जो स्टाफ मेम्बर्स हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर।